कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। बाकी कंपनीज का तो पता नहीं, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री का दौर आएगा। तो गाइस इस शेयर से अंदाजा लगा लें कि अब होने क्या वाला है। और इस वक्त अगर मैं आपको अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से बात करूं, तो आज मेरी एनर्जी लेवल उस लेवल पे है जो कि इन 2.5 साल में आज तक नहीं था। ये इस लेवल पे पहली दफा पहुंचा है। रीजन उसकी क्या है? रीजन उसकी क्या, उसकी ये है कि आपने बहुत सारी टीजर्स देखे होंगे। अगर मैं बात करूं मेरे पर्सनल सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत सारे हिंट्स देखे होंगे, जिनमें आपने अभी कल देखा होगा गो प्रोजेक्ट 34 गो लाइव ऑन मंडे। ठीक है, अब आपके जेन में ये होगा कि ये गो क्या चीज है। तो ये 34th प्रोजेक्ट है, 3 in 1 अंडर वन अम्ब्रेला, ये का आपने टीजर देखा होगा। ये क्या है इसके हवाले से आपको बताया जाएगा। उसके अलावा हम बात करें, बहुत सारी न्यूज आपने देखा कि पिछले वीक में तकरीबन 5 दिन हमारी मीटिंग हुई बाबा संजय दत्त से। ठीक है, 2-3 दफा उन्होंने विजिट भी किया ऑफिस। अब बहुत सारे लोगों के जेन में होगा कि ये क्यों आ रहे हैं या क्या चक्कर है, इस हवाले से लोग जानना चाहते होंगे। इसके बाद आपने अभी कुछ बहुत बड़ी न्यूज है जो जिनका आपको हिंट भी नहीं दिया। उसके अलावा आपने बिलफ कैंडी का एक लोगो देखा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के दिलों में ये क्वेश्चन होगा कि ये बिलफ कैंडी क्या है। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा ये तो हो गई वो न्यूज या वो चीजें जो कि अभी हुई हैं या होने वाली हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो चुकी हुई हैं। बहुत एक मेजर क्वेश्चन आपके जेन में आएगा कि यार ये अपनी जो ब्लॉकचेन थी इसके हवाले से क्या अपडेट है, कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आई। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन के हवाले से होगा कि एप्लीकेशन कब लाइव होगी। और इसके अलावा जो बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज कि जी स्वैपिंग के पेयर कौन कौन से आएंगे, स्वैपिंग के पेयर्स लाइव कब होंगे, हम लोग बी लव बी एफ आई सी यूएसडीबी को कब पी टू पी के थ्रू ले दे सकेंगे और किस पेयर में ले सकेंगे। ये सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे पता है आपके जेन में होंगे। जो चीजें आपके जेन में होती हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे जो कोर लीडर्स हैं उनके थ्रू कंपनी तक पहुंचती रहती है। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है वो आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, और ये पिछले 7 दिन या 8 दिन जितने दिन सिस्टम अपग्रेडेशन पे रहा है, ये सारे दिन आप लोग बहुत रिलैक्स रहे होंगे। मुझे पता है आप लोगों ने हॉलीडेज, इन 2.5 साल में ये पहली हॉलीडेज होंगी, छुट्टियां होंगी जो आप लोगों ने अपनी फैमिली को टाइम दिया होगा, रिलेटिव्स को दिया होगा, या इन छुट्टियों को अपना सेलिब्रेट किया होगा। इवन के हमारा तो दिवाली ईद के ऊपर भी कोई छुट्टी नहीं होती, हम लोग अपना काम में ही लगे रहते हैं। तो मुझे पता है आप लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया होगा, आप लोग हैप्पी भी होंगे। लेकिन आपको मैं इनोवेशन फैक्ट्री, इसकी टीम, मैनेजमेंट और अपने वाले से बता दूं कि जितना आप लोगों ने इन 10 दिनों में रेस्ट किया ना, हमने उतना ही कह लो कि 10 गुना ज्यादा, आम रूटीन से 10 गुना ज्यादा एफर्ट्स किए हैं। रीजन क्या है कि रीजन ये है कि हमने जब आपके पास आना है तो हम आपको आपके इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे सके। और इन 10 दिन में जितना हमने काम किया है, ये 2 लिस्ट है मेरे पास, एक ये और एक ये, इन सब के ऊपर एक एक न्यूज है। इन दोनों लिस्टों के ऊपर, यानी जितने पॉइंट्स हैं 20 हैं 30 हैं एक पेज के ऊपर, तो ये न्यूज है।
और वो ऐसी न्यूज है जो कि आप कह लें कि आप लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारी रूमर्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिफरेंट तरह की चीजें, वो भी हमें पता चलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट तरह की बातें लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, इनोवेशन फैक्ट्री और हम लोग इन चीजों से निकल चुके हैं। किसी भी किस्म की नेगेटिव न्यूज का कंपनी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। उसकी रीजन ये है कि कंपनी अपना प्रैक्टिकल दिखा के उन सारी न्यूज को जीरो कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में कोई इस तरह की बातें मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी है कि जी बी लव नेटवर्क अब वापस आएगा कि नहीं आएगी, लाइव एप्लीकेशन चलेगी कि नहीं चलेगी, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, इन चीजों से कंपनी की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी रीजन यह है कि जो लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हैं उनको पता है ये सारे काम कई दफा हुए हैं, कई दफा डिलेज हुए, कई दफा अपडेट पे गई, उसके बाद वापस आ गए। और वैसे भी इस वक्त अब जो पिछले 10 दिन में कंपनी ने काम कर लिए हुए हैं, हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं है। अब हम खुशी से चाहें, जरूरत के तहत चाहें या मजबूरी से चाहें, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। हमारा स्टेप पीछे नहीं जा सकता। अब हम वो इस तरह की चीजें कर चुके हैं, इस तरह के नाम, बड़े बड़े नाम हमारे साथ ऐसे जुड़ चुके हैं जैसे कि आप और हम हैं। तो जब आप इतने बड़े स्केल पे चले जाएं, जो कि ऊपर वाला हमें लेके आया, हमारा अपना कोई कमाल नहीं था, तो वहां पे आने के बाद वापसी का रास्ता नहीं होता, सिर्फ आगे ही आगे होता है। तो गाइस, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम आज मेरे पास भी नहीं है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अभी आज मीटिंग जो थी वो कैंसिल करनी थी हमने। कैंसिल क्यों करनी थी? एक तो मेरी ये सारी चीजें जो डिस्कस करनी है, जो क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको जब देने हैं तो उसके लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए, और 2 घंटे का टाइम मेरे पास खुद के पास भी नहीं है क्योंकि अभी मेरी एक मीटिंग है, मैंने वहां निकलना है। 8 बजे मीटिंग है और 7:45 मुझे यहीं पे हो चुके हैं। एनी हाउ, तो मैंने कहा मैं आपको आके आपको सिर्फ इतना बता दूं, जो मेन चीज है, क्वेश्चन है, एक तो ये कि मंडे वाले दिन हम लोग अपना पूरा सिस्टम लाइव करने जा रहे हैं, जो कि हमने आज कर देना था, लेकिन आपको पता संडे आता है तो बेहतर होता है, संडे से बेहतर हम मंडे को करें ताकि पूरा वीकडे हो हमारे पास और पूरे बैकअप के साथ हो। तो मंडे वाले दिन हमारी ब्लॉकचेन और इसके अलावा जो हमारी ये बीलव नेटवर्क की साइट एप्लीकेशन है ये, और जो स्वैपिंग के पेयर्स है, ये चीजें जो आपके साथ मंडे वाले दिन लाइव होने जा रही है। इसके अलावा बाकी जो बहुत सारी न्यूज है वो आपके साथ मंडे वाले दिन मीटिंग होगी, उसमें शेयर की जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो करने वाली हैं, जो हो रही हैं और जो होनी है आज रात में, कल में, ये सारी चीजें आपके साथ मंडे वाले दिन शेयर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि भाई आपकी ब्लॉकचेन और ये जो एप्लीकेशन और ट्रेडिंग पेयर जो है, ये आपके मंडे वाले दिन आ रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है इसके ऊपर फ्री साइनअप्स जो है वो आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, वो डेली बेसिस पे उसी तरह से लोग इसमें साइनअप्स करवा रहे हैं। ट्रेडिंग पेयर का मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे दूं, जो पेयर्स आ रहे हैं आपका आ रहा है बी लव और USDT BEP20, बाइनेंस का जो बाइनेंस चेन का जो USDT है उसके साथ आ रहा है, BFIC और USDT BEP20, BLV USDB और BFIC, ये तीनों पेयर्स जो है आपके USDT के साथ आ रहे हैं। BP20 स्वैपिंग की ऑप्शन आपको आ रही है, एप्लीकेशन में आ रही है, आप चाहे इसको जैसे चाहे स्वैप करें, जो बेचना चाहता है, जो लेना चाहता है वो इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें मजीद पेयर्स ऐड होंगे वो टाइम के साथ होंगे, और बहुत सारी चीजें हम लोग मंडे को करने जा रहे हैं आपके साथ। पहली दफा हम कुछ लोग लाइव करेंगे, कुछ चीजों को लाइव करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स को लाइव करेंगे, ये सारी चीजें मंडे वाले दिन करेंगे। तो मेरी तरफ से खैर इतना ही है,
ओवर टू यू जी लीडर्स, बाकी मंडे वाले दिन आपको फुल ऑफ सरप्राइज, फुल ऑफ ब्लास्टिंग न्यूज आपके साथ लाइव आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, मेरी तरफ से बाय बाय।